आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पे। चलिए आज हम आपको दिखाते हैं सरोजी नगर के ठंड के कपड़े। ये वीडियो मैंने पहले इंग्लिश में बनाई थी, पर काफ़ी मांग होने की वजह से मैं आज इसको हिंदी में आपके सामने ला रही हूँ। इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगी 6 तरह के अलग अलग लुक, कैसे आप थोड़े कपड़ों में ढेर सारे लुक पा सकते हैं। चलिए अब शुरू करते हैं। तो ये है मेरा पैरा लुक, जिसमें मैंने जंपर पहना हुआ है। जंपर उस टॉप को कहा जाता है जो कि थोड़ा लंबा होता है, फुल स्लीव और टर्टल नेक होता है। जो ज्वेलरी मैंने पहनी हुई है ये भी मैंने सरोजी नगर से ली थी। ये आपको मिलेगा ICICI बैंक के सामने, जो कि 35 रुपीज़ से लेके कभी 50 कभी 100 तक के ज्वेलरीज बेच रहा होता है। इसके साथ ही मैंने एक लकड़ी की भी एक ज्वेलरी खरीदी है, जो कि मुझे एक काफ़ी अच्छी बोहेमियन लुक देती है। जो ये मैंने टॉप पहना है वो आपको 100 से 150 रुपये के बीच में मिल सकता है। ये जो मैंने टाइट्स पहना है ये भी मैंने सरोजी नगर से लिया था 100 150 रुपये में, और ये आपको तभी मिलता है जब ये ठंड का मौसम आने लगता है। आप इसको पहन सकते हैं किसी भी लंबे टॉप के साथ। अब ये जो मेरा लुक है इसमें मैंने पोचू पहना, या केप टॉप इसको कहते हैं, जो कि इसमें अगर आप ध्यान से देखेंगे तो काफ़ी अच्छा फर है। और मैंने इसके साथ वही सेम टाइट्स पहना और अंदर सेम ग्रे कलर का जंपर पहना हुआ है। और अगर आप इसको नज़दीक से देखते हैं तो इसमें फ़र है, जिसकी वजह से ये काफ़ी अच्छा फैंसी लुक देता है। तो अगर कोई इवेंट, स्पेशल इवेंट पे आप जा रहे हैं तो इसको आप पहन सकते हैं। और आप देख सकते हैं ये आपको काफ़ी अच्छा अलग लुक देता है। और ये केप मैंने लिया था 200 से 250 या 300 के बीच में। और एक और सलाह मेरी, आप माने कि अगर आप सरोजिनी नगर जाते हैं तो कोशिश करिए आप ट्यूसडे या वेंसडे को जाइए, क्योंकि मैंने एक दुकानदार से इंटरव्यू लिया था, उसमें उन्होंने बताया था या तो आप संडे को आए या तो फिर आप ट्यूसडे वेंसडे को आइए जब उनके पास नया माल आता है। पर जब आप वेंसडे को जाएँ, याद रखिएगा कि वहाँ पर पुलिस का काफ़ी चेकिंग होती है, जिसकी वजह से दुकानदार हटाने लगते हैं और कभी कभी काफ़ी भसड़ हो जाती है। तब ये है मेरा तीसरा लुक, जो कि ओवरकोट के साथ है। इसमें मैंने ये ब्रोच खुद से बनाया हुआ है और ये मैं पहना है मैंने ड्रेस के ऊपर। तो जो ड्रेस मैंने ली थी ये 250-300 के बीच में थी, और जो ये ओवरकोट है ये थोड़ा महंगा था, अराउंड 600 या 700 के बीच में। मेरा एक और सलाह ये है कि जब भी आप ओवरकोट या कोई स्वेटर या कोई अच्छी चीज़ आपको सरोजिनी नगर से मिलती है तो उसको बिना वॉश करे ना पहने, और कोट अगर आप लेते हैं तो उसको आप ड्राई क्लीन करा दीजिए। इसके अलावा जब आप कोट लेते हैं तो ये ज़रूर देखिए कि वो आपको शोल्डर से अच्छे से फिट हो रहा है, और उसके जो कपड़े का मटेरियल है काफ़ी अच्छा, फर थोड़ा सा अलग टाइप का होना चाहिए। इस ड्रेस के साथ मैंने मैचिंग ज्वेलरी भी ली थी, जो कि मैं इसके साथ पहनने जा रही हूँ। ये ज्वेलरी मैंने सेम वही दुकान से ली थी जो कि ICICI बैंक के सामने दुकान लगाता है। अब आप देख सकते हैं कि मैंने ये ड्रेस पहना है विदाउट टाइट्स और लंबे बूट्स के साथ। आप भी इस तरह आप पहन सकते हैं, स्पेशली जब आप हॉलीडे या किसी वेकेशन में जा रहे हैं, किसी और कंट्री में जाएं, तब भी आप ये पहन सकते हैं। तो ये काफ़ी अच्छा डिसेंट लुक देता है। जैसा कि आप देखते हैं ये जो ड्रेस है ये एक्चुअली मैंने गर्मी में लिया था, पर ठंड में भी जब मैं गई थी और मैंने देखा कि काफ़ी इस तरह के ड्रेस मिल रहे थे जो कि नी लेंथ के थे और थोड़े से कट स्लीव या नूडल स्ट्रैप के साथ थे। सरोजिनी नगर में आपको जूते भी काफ़ी अच्छे मिल जाएंगे, इस तरह के लंबे बूट्स मिलते हैं। इवन लेदर की भी शॉप है जो कि 2 जगह पे है, और आपको अगर बहुत फैंसी टाइप की अगर जूते चाहिए तो आप किन्स या स्टेलेटो से भी ले सकते हैं, जो कि थोड़े अच्छे कम दाम के होते हैं पर काफ़ी फैंसी होते हैं। इसके अलावा जहाँ तक की बात है लेदर शॉप की, तो वहाँ थोड़े से प्राइस ज़्यादा होते हैं, तो एक बार आप जाके देख सकते हैं, अगर आपको ठीक लगता है तो आप वहाँ से भी ले सकते हैं।
ये मेरा फोर्थ लुक है जिसपे मैंने सेम ब्लैक कलर का टाइट्स पहना है और ऊपर ब्लैक जंपर पहना हुआ है। ये जो मैंने श्रग लिया हुआ है इसको मैंने खुद बनाया था अपने पुराने शॉल से। और अगर आपको जानना है कि कैसे ये किया जाए तो आप मेरा वीडियो देख सकते हैं, यहाँ पे मैं लिंक डाल दूंगी। अब मैं इसके साथ ये वुडन ज्वेलरी पहनूंगी जो कि मैंने सेम करोनी नगर से लिया है। ये अब आ गए हैं हम अपने फिफ्थ लुक पे, जो कि मैंने सेम जंपर और ब्लैक टाइट्स पहना, बस ऊपर से मैंने स्लीवलेस स्वेटर डाल लिया है। ये स्लीवलेस स्वेटर मैंने लिया था सरोजिनी नगर से 150 से 200 के बीच में। जो ये ब्लैक जंपर था ये भी मैंने 100 से 150 या 200 के बीच में आपको मिल जाएगा सरोजिनी नगर में। मेरे को ऐसा लगे है कि जब भी आप स्वेटर या कोई भी चीज़ लेते हैं सरोजिनी नगर से, अच्छे अच्छे से आप उसकी जांच कर लें, क्योंकि कभी कभी टैग हटाने की वजह से या कभी कभी कोई आइटम बहुत पुराना हो जाने की वजह से उसमें डैमेज हो जाता है और वो आपको दिखेगा नहीं और घर आने के बाद वो पता चलता है। इस तरह आप पहन सकते हैं ब्लैक और ग्रे को मिला के। उसके बाद अगर आपको लगता है कि इससे ज़्यादा ठंड है तो आप ओवर कोट फिर से डाल सकते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कि मेरे पास जो तीन चार चीज़ें हैं, कोट और जंपर और ये टाइट्स, इन्हीं को ही मैं मिला के मैं 6 लोग 4 लोग क्रिएट कर रही हूँ। तो ये आप भी कर सकते हैं, आपको ज़रूरत नहीं है कि आप हमेशा टॉप और उसका बॉटम ले। ऐसा मिक्स मैच करके आप भी काफ़ी अच्छा लुक पा सकते हैं। जहाँ तक की बात है बारगेन करने की सरोजिनी नगर में, तो मैं आपको यही सलाह दूंगी कि आप वहाँ पे जल्दी जाएं, क्योंकि वहाँ पे जल्दी जाने की वजह से दुकानदार गोनी करने के लिए काफ़ी हद तक अपने सामान को सस्ता कर देते हैं। वरना आप ये कर सकते हो कि जब जितना दाम आपको दुकानदार बताएं आप उसको आधा बोल सकते हैं, वरना आधे से थोड़ा कम दाम आप सामने रख सकते हैं। तो यहाँ मैंने पहना ये सीक्वेंस टॉप जो कि मैंने लिया था 100 रुपीज़ में एक्सपोर्ट गली से। और अगर आपको पता नहीं है एक्सपोर्ट गली क्या है तो प्लीज़ आप मेरा वीडियो देखिए सरोजिनी नगर पे। इस तरह के लुक आप तब पहन सकते हो जब आप पार्टीज़ में जाना चाहते हैं, और मैंने अंदर वही जंपर ब्लैक पहना है। तो अगर आप सरोजिनी नगर जाते हैं और बेसिक चीज़ें लेते हैं सिर्फ जो कि ब्लैक कलर में है या फिर ग्रे या न्यूट्रल कलर में है, तो वो आप बहुत सारे चीज़ों के साथ मिक्स मैच कर सकते हैं और उसको आप कई सालों तक पहन सकते हैं। आशा है कि आपको मेरा ये वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा और आप सभी के लिए फ़ायदेमंद होगा जब आप नेक्स्ट टाइम जाएंगे सरोजिनी नगर में। और अगर इसके अलावा आपको कोई भी सुझाव है तो मुझे कमेंट करके बताएं। मैं आशा करती हूँ कि मेरे वीडियो को आप इसी प्रकार देखते रहें और सराहें। मैं अब आपसे विदा लेती हूँ, अपना ख्याल रखें, बाय।